नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विश्व के 7 अजूबों में शामिल आगरा में गुरुवार को विस्फोटक रखे जाने की सूचना पर खलबली मच गई। इस सूचना के बाद मीडिया के साथ CISF की टीम तत्काल एक्शन में आ गई। फिरोजाबाद से एक सिरफिरे ने फोन करके बम की झूठी सूचना दी थी। आरोपी पकड़ा गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। करीब 2 घंटों तक ताजमहल के दोनों गेट को बंद करके चेकिंग की गई। इसके बाद गेटों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। यहां पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर विस्फोटक रखने की सूचना दी थी। ताजमहल के चेकिंग में अभी तक कोई बम नहीं मिला है। ताजमहल के दोनों प्रवेश द्वार को बंद करके चेकिंग की गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड BDS के साथ अन्य टीमों को भी बुलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों को भी बाहर ही रोका गया। CISF व पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया और सुबह करीब 9:30 बजे ताजमहल से पर्यटकों को बाहर निकाल दिया गया। ताजमहल के पूर्वी व पश्चिम गेटों को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही आसपास के बाजार को भी बंद करा दिया गया। बम निरोधक दस्ता ने मौके पर पहुंचकर तत्काल पड़ताल की, पूरे परिसर की छानबीन की। माना जा रहा है कि ताजमहल के अंदर बम ले जाना नामुमकिन है। यहां पर सभी पर्यटकों को बड़े सुरक्षा जांच चक्र के बीच गुजार कर ही प्रवेश दिया जाता है। अब प्रशासन सूचना की भी पुष्टि के साथ ही सूचना देने वालों की पड़ताल में भी लगा है। ताजमहल में बम की सूचना से खलबली मच गई। पर्यटकों को बाहर निकाल कर बम निरोधक दस्ते ने जांच की। किसी ने UP 112 के कंट्रोल रूम में दी थी। ताजमहल में बम लगाने की सूचना दी गई थी। कॉल करने वाले ने कहा कि मैं ताजमहल में बम लगा दूंगा, सेना को बुला लूंगा। उसने तो इस दौरान इलाहाबाद और लखनऊ छावनी को भी उड़ाने की धमकी दी थी। कॉलर ने अपना नाम नहीं बताया। अब पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर उसकी खोज में लगी है। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट। कंट्रोल रूम के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति ने फोन किया था, वो बता रहा था कि तोता की ताल राजा लोहा मंडी क्षेत्र से बोल रहा है और सैनिक भर्ती में गड़बड़ियां हो रही हैं, उसकी भर्ती उसमें नहीं हुई है। ताजमहल पर बम रखा गया है, जो कुछ देर में ही फूट जाएगा। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल CO सदर के नेतृत्व में ताजमहल के आसपास छानबीन की जा रही है। CISF को अलर्ट कर दिया गया है, उसका लोकेशन प्राप्त किया गया सर्विलांस के माध्यम से उस व्यक्ति का, तो फिरोजाबाद आ रहा है। शेष अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।